नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज। आप देख रहे हैं जीएन भारत। कुछ दिनों पहले मोराबादी के समीप एक मर्डर होने के बाद सारे दुकानों को बंद करा दिया गया था, जिसके बाद दुकानदारों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और वहीं एक तरफ एक दुकानदार कर्ज नहीं चुका पा रहा था तो उसने फांसी लगा ली। और वही आज फिर से मोराबादी में चहल पहल वापस आई है, फिर से रौनक वापस आया है। दुकानदार दूसरी तरफ अपना दुकान शिफ्ट कर लिए हैं, उन्होंने अपना दुकान खोला है। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्हें दूसरी तरफ दुकान शिफ्ट करने के बाद कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और जैसा कि आप हमारे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि काफ़ी सारे दुकान खुले हुए हैं और कस्टमर तो कहीं ना कहीं दिख रहे हैं और कहीं नहीं भी दिख रहे हैं। तो आइए उन दुकानदारों से बात करते हैं जिन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले आप कहाँ दुकान लगाते हैं? मोराबादी में ही। तो जब मर्डर हो गई थी उसके बाद सभी दुकानों को बंद करवा दिया गया था, उसके बाद आज आप लोग एक महीने से यहाँ दुकान खोल रहे हैं, कैसा चल रहा है? अभी तो बहुत नहीं के बराबर चल रहा है, रोजी रोटी थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन उतना अच्छा दुकान नहीं चल रहा है धूप के चलते। पहले कैसे चलता? पहले बहुत अच्छा चलता था। और जब बंद हुआ था? बंद हुआ था तो नहीं के बराबर चल रहा था। बंद हुआ था तो आप लोग कहाँ थे? इधर उधर ही लगा रहे थे हम लोग, बंद कर दिए थे, दो महीना से बंद कर दिए थे। तो अभी क्या लगता है यहाँ दुकान लगाने से सही चलेगा? अभी तो थोड़ा बहुत चल ही रहा है, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं चल रहा है। कहाँ दुकान लगाते थे इससे पहले? सिबू सन आवास का थोड़ा सा आगे था दुकान। और अभी यहाँ पे कब से लगा रहे? एक महीना हो गया। कैसा चल रहा है, लोग आते हैं? यहाँ बहुत कमी है, नहीं चल पा रहा है। तो क्या अब यहाँ से हटा के कहीं और जाने का सोचे क्या? दूसरा जगह तो मिल ही नहीं रहा है, यही जगह अभी फिलहाल है। कितनी कठिनाइयों का सामना? बहुत दिक्कत हुआ। रूम रेंट है, रूम रेंट को देना पड़ा, और भी है घर में है, परेशानी है, कर्ज है, लोन है, सब भरना पड़ता है हर महीना। इसका जिम्मेवारी सरकार के ऊपर है, नगर निगम के ऊपर है। हाँ, उसी का वजह से दुकान यहाँ पे आया। वहाँ पे जैसे कि 1500 रुपये कमा लेते थे, यहाँ 250 रुपये नहीं कमा पा रहे हैं, दिन भर टाइम दे रहे हैं। तो मतलब बांट करके दिन काट रहे हैं? हाँ, बस वही है, मच्छर मक्खी मारना पड़ रहा है सुबह शाम। तो जैसा कि हमने देखा था कि आपके दुकान के पास पहले बहुत ज़्यादा भीड़ रहता था, बहुत चहल पहल रहता था, यहाँ आने के बाद जब से आप यहाँ शिफ्ट हुई हैं तब से कैसा चल रहा है? नहीं, इधर मार्केट नहीं है उतना, अभी आदमी जाना नहीं है, इधर दुकान चल रहा है। तो आपका तो बहुत ही जान पहचान है ना, यहाँ जानने वाले लोग हैं आपके दुकान के? जानेंगे तब ना आएंगे, नहीं जान रहे तो अभी कैसे आएंगे? एक महीना से कोई नहीं जाना? नहीं, थोड़ा बहुत आदमी जाना है, थोड़ा बहुत आदमी आता है। दुकान उधर से इधर शिफ्ट हो गया है, क्या कुछ कहिए? हम लोग को तो जानकारी भी नहीं था, अभी आए हैं तो देखे तो जानकारी हुआ। पहले तो हम लोग आते थे तो उधर चाय पीते थे, अभी इधर में कुछ जानकारी हम लोग को नहीं था। देखे तो वहाँ सन्नाटा था पूरा बाज़ार, तो हम लोग इधर आए तो इधर आए देखे कि इधर बाज़ार लगा हुआ है, तो यहीं अभी ठेला में चाय बर मिल रहा है तो पी रहे हैं हम लोग। रांची में तो हम लोग सर लोहरदगा में रहते हैं, लेकिन रांची आते हैं बराबर, हर एक दिन में आना है। हाँ, मोराबादी तरह पीते थे चाय, ठेला में चौमिन उमिन चाय। तो जैसा कि आपने सुना कि जितने भी दुकानदार हैं उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जब से दुकान इधर शिफ्ट हुआ है कस्टमर तो दिखते ही नहीं हैं। कस्टमर जो पहले वहां आते थे, जिनसे वो 500-1000 कमाते भी थे, यहां तो 200-250 कमाने में ही इनका पसीना छूट जा रहा है, ऐसा दुकानदार कह रहे हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए जुड़े रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।